गुड मॉर्निंग गाइस सही बताऊं तो काफी टाइम बाद मैं स्टॉक मेंशन में रात रुक गया था भाई सोने के लिए और सुबह मैं जा रहा था घर को तभी इन सब लोगों ने मुझे रोक लिया बोलने लगे भाई जाने से पहले एक छुपन छुपाई का खेल हो जाए गाइस अब तो ये गेम छुपन छुपाई का कम जिंदगी और मौत का बन गया है देखिए थ्री हेड्रेड यूनिवर्स गॉड भाई साहब कितनी बार आ गए गेम खेलने और भाई ये तो आइसन लावा गॉड है भाई ये तो पहली बार आया है अरे हल्क को भी तो देख फ्रेंकलिन हल्क तो थ्री हेड्रेड चूचू चार्ल्स बन गया अरे बाप रे और गाइस थॉर तो बेचारा अपना ऐसे ही खड़ा है उड़ी कसम मैं तो ऐसे छुपूंगा दिखूंगा नहीं फ्रैंकलिन आज तो तू तो गया मैंने अपने बहुत सारे यार दोस्त बुला लिए हैं और ऊपर देखो ऊपर ऊपर क्या देखू है मेरी शक्ल का अर्थ कोड फ्रैंकलिन बुला लिया अरे बाप रे यार टोनी क्या कर रहा है यार तू तो? और गाइस इविल टीवी स्कैरी मैन अरे बड़े दिन बाद आया भाई ये तो गेम खेलने के लिए खैर गाइस यहां पर टोनी ने इस बार कुछ सूट भी बनाया अपने जैसे कि ये देखिए ये है ब्लू आयरन चूचू चार्ल्स का सूट थ्री है गाइस देख रहे हो कितना स्पेशल है ये भी

नहीं जीतने के लायक बचूंगा गाइस देखिए इसका एक डेमो भी दे रहे हैं ये चलो डेमो देखते हैं हारने पर होगा क्या आ, अरे बाप रे ये कहां पर आ गया मैं ये क्या है अबे फ्रैंकलिन ये है श्रेडर मशीन भाई साहब इंसान तो क्या बड़ी-बड़ी बुलडोजर मशीनों के छोटे-छोटे टुकड़े कर देती है ये सोच इतने से बॉक्स में इतनी बड़ी परेशानी है जब आज तो हारेगा बड़ा बॉक्स फोड़ेगा तो क्या होगा हे? अब टोनी मुझे पक्का पता है ये रेड वाले एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स को तूने डिजाइन किया होगा मुझे हरवाने के लिए देखिए ये श्रेडर मशीन है इसमें बड़ी बड़ी कार्स बुलडोजर्स और बड़े बड़े जायंट ट्रक्स को भाई एकदम क्रश कर दिया जाता है देखिए यहाँ पर कार्स का क्या कचूमर बना रही है भाई ये श्रेडर मशीन ख्वाहिश सोचिए अगर आज मैं हार गया और अभी छोटा वाला बॉक्स छोड़ा था उसमें मुझे श्रेडर मशीन मिली बड़े वाले में कहीं कुछ और खतरनाक ना मिल जाए कहीं मैं लावा वर्ल्ड में ना पहुंच जाऊं इसलिए दोस्तों नहीं गलती से भी आज हम चुप

अरे गाइस सच में जी हम चाहते हैं यार इतनी जल्दी अरे एक मिनट में एक सेकंड के लिए पीछे का छिपा मतलब तो पीछे का मुड़ा यहां पर तो बदल गई सारे के सारे गेम की भाई ये स्टॉक मेंशन है कि कोई छोटी जादुई सिटी और ये यहां पर वाटर टैंक से लेके कॉफी का इतना बड़ा कप टावर पता नहीं क्या क्या चुका है और ऊपर टाइमर पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया मिनट रह गए ऑलरेडी दोस्तों आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो तो, अभी तक नहीं किया तो और चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी सब पता है उससे आप सभी मेरी टीम में आ जाओगे तो जल्दी लाइक बटन दबा दो वीडियो का और चैनल सब्सक्राइब वो क्या है भाई गोल्डन सा इतना बड़ा सा आगे और तो कुछ नया ही लग रहा है मुझे मेंशन अरे ये जमीन पे से इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहां से आगे भाई निकल के अजीब बात है गाइस पहाड़ नहीं है वैसे पत्थर हैं छोटे मोटे बट मेरे लिए तो पहाड़ ही है यार ये इतना ऊंचा कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस इन पत्थरों के पीछे कोई छिपा पड़ा हो बट इसके पीछे कौन क्या रॉक रॉकमैन छुपेगा खैर अगर आपको कोई दिख रहा हो तो भाई प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखना हो गाइज लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तभी आप सभी मेरी टीम में आ पाएंगे वरना ये लोग मुझे चीटर बोल देते हैं दोस्तों अभी देखिए वो क्या फ्लाइंग हाउस भाई साहब अरे वहां तक मैं पहुंचू कैसे उसके लिए तो हेलीकॉप्टर के अरे बुलडोजर क्रेन मशीन भाई साहब क्या क्या है यहां पर गाइस पहले ना यहां चलते हैं भाई ये गोल्ड का जो मुझे लाइक रैम टाइप लग रहा है मुझे लग रहा है पक्का कोई ऊपर छिपा हुआ है

इसके अंदर कैसे जाऊं मैं अरे रास्ता तो ब्लॉक ही पड़ा है अरे रे किस चीज में अटक गया मैं बड़ी जोर से लग गई मेरे कायज समझ नहीं आ रहा है भाई साहब कायज अगर आपको कोई दिखा हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर उसका नाम लिखना बाकी ये क्या है ये तो किसी के हाथ लग रहा है मुझे भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है एयरोप्लेन के अंदर कोई छिपा पड़ा हो बट कौन हो सकता है इतने तो बड़े हाथों वाला वो तो जाके पता चलेगा ये क्या कॉमेंट आई है फ्रेंकलिन अर्थ गॉड पत्थरों के पीछे छुपा हुआ है वट मतलब वो जो रॉक्स थे बड़े बड़े उनके पीछे फ्रेंकलिन अर्थ छुपा है क्या जो मेरी शक्ल का फ्रेंकलिन अर्थ गॉड है कायज अगर आपने भी उसको देखा है तो जल्दी कॉमेंट में यस लिख दीजिए मैं जा रहा हूं जल्दी से उसे देखने और वीडियो को लाइक जरूर करना लगाई उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप मेरी टीम में भी आते हो हटे यहाँ से पत्थर कहीं के और वोरा वोरा भाई अरे यार फ्रैंकलिन मैं इतनी तो सही जगह छिपाता ऐसे कैसे ढूंढ लिया तूने मुझे और भाई चल निकल यहाँ से ये ले ले ओके गाइज ओके 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 अभी पाँच मिनट में हमने दो बंदे ढूंढा रहे अभी हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें अपने काम की अरे वो क्या बात है यार ये वाली ग्रीन स्क्रीन तो मैंने अपने घर पर भी देखी थी गाइज अक्सर इनके पीछे ना गाइज लोग छिपे रहते हैं इसलिए हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा गोलियां चला के तोड़ के देखता हूँ लो ये पता नहीं कैसी ग्रीन स्क्रीन है भाई टूट भी नहीं रही है वैसे यार अगर ये ग्रीन स्क्रीन काम की हुई तो टोनी पैसे ले लेगा ले मुझसे छोड़ो छोड़ो मैं उसका तोड़ता नहीं हूँ बट गाइज अगर इस ग्रीन स्क्रीन के पीछे कोई छिपा हुआ है इसके पीछे तो कोई हरा इंसान ही छिपेगा कौन छिपा होगा इसके पीछे कोई भी छिपा हुआ प्लीज़ उसका नाम जरूर लिखना और जगह भी बताना मुझे क्योंकि ऐसा होता है काफी बार मैं लेट कमेंट पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ ऑलरेडी right, दोस्तों छोड़ो हम एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं भाई साहब स्टॉक मेंशन में और क्या क्या देखने मिलेगा हमें नया वाह wow! इतने ज्यादा पेड़ एक ही जगह पे घने घने और यहां तो मुझे याद है टोनी का हेलीपैड हुआ करता था एक जमाने में अब पेड़ ही पेड़ आ गए भाई और पेड़ की झाड़ियां और पेड़ के पत्ते ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं गाय पेड़ की आड़ में कोई छिपा पड़ा हो हो सकता है गाइस हो सकता है ये क्या चीज़ है शूट करके देखो अरे नहीं यार मेरी गोलियां बर्बाद जाएंगी फालतू तो में मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ गाइज आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग कैसे कैसे कहाँ कहां छिप रहे हैं भाई साहब बड़ा दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो गाइज ये क्या यार छह मिनट निकल भी गई अरे कोई टाइम को

अरे प्लेन के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे काम करता हूं मैं उधर से जाकर कोशिश करता हूं चलो भाई प्लेन के ऊपर तो आ गए हम तो ये रही अच्छा ये कोई नॉर्मल बाल्टियां नहीं है ये आइस बकेट हैं मतलब इनमें बर्फ ही बर्फ भरा पड़ा है क्या हो रहा है भाई टोनी अपनी जगह को कोई स्नो विस्नो की जगह बनाना चाहता है क्या यार ये बाल्टियां तो टूट भी नहीं कौश कोई ऐसा तो नहीं इन बकेट्स के अंदर कोई छिपा पड़ा हो पर इतनी छोटी बाल्टियाँ इसमें कौन ही छिपेगा इसमें आइस गॉड नहीं आइस गॉड तो आज गेम भी नहीं खेल रहा है पर आइस एंड लावा गॉड जरूर गेम खेल रहे थे दो भाई साथ मिलकर कहीं ऐसा तो नहीं वो अरे नहीं मैंने तोड़ने की कोशिश की गाई छोड़ा अगर आपको इसके अंदर कोई दिखे तो प्लीज जरूर बताना बाकी मैं काम करता हूँ यहाँ पर ये पता करता हूँ ये कौन है भाई मुझे उसके लिए प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा तभी समझ आएगा भाई साहब प्लेन के अंदर जाने के लिए मुझे सामने से पायलट की सीट लेनी पड़ेगी ओके 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 हम प्लेन के इंजन में आ चुके हैं ओके okay, यार मैं तो टॉप एरिया पे हूं मुझे नीचे जाना पड़ेगा अच्छा तो ये कार्गो प्लेन है एक तो अभी सोचूं भाई इतना ऊंचा क्यों ये प्लेन ओके okay, अभी हम कार्गो प्लेन पे लैंड तो कर चुके हैं व्हाट ये तो भाई साहब सिक्स आम रेड है ओ माय गॉड गाइस मुझसे पहले किस किस ने गैस कर लिया था कि रेड रिवेंजर हल्की है जिसकी हाथ हाँ दिख रहे थे मैं बाहर जल्दी कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना भाई यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर बिना देखे भी गैस कर लेते हैं कौन कहाँ छिपा होगा मजा आ गया यार हमारी इंटेलिजेंस ऐसी बढ़ती रही तो हम लोग जल्दी जल्दी ढूंढते रहेंगे अभी गाइज देखो इक्कीस मिनट बचे हैं नौ मिनट तो निकल भी गए यार टाइम हमें बेसक इतना ज्यादा मिलता है बट जल्दी जल्दी जाता है यार टाइम का कुछ करना पड़ेगा हमें चलो गाइज काम करते हैं बातें ना करते हुए जल्दी से आगे जाते हैं और चेक करते हैं कि ये वाला जो टावर है शायद इसके ऊपर कोई हो गाइज अवेंजर्स टावर में आ चुका हूं मैं और यहां पर लिविंग एरिया में कोई है क्या गाइस बहुत टाइम से वैसे मैंने आपके कमेंट भी नहीं पड़े क्या पता आपने भी किसी को देख लिया हो चलो कमेंट में ही देख लेते हैं मैं कमेंट में लिख रहा है थ्री चार्ल्स ग्रीन स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ है व्हाट अरे वो हल्क हरा है और भाई स्क्रीन भी हरी है तो भाई छिपना उसका आसान है गाइस अगर आपने भी उस थ्री हंड्रेड हल्क चुचू चार्ल्स को ग्रीन स्क्रीन के पीछे देखा तो जल्दी कॉमेंट में लिखो मैं आप अपनी स्पेशल गन यूज करूंगा अरे बापरे ये कौन गोलिया चला रहा है हल्क के ऊपर ओके 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 कन्फर्म हो गया भाई जीरा हल्के बच्चे बच्चे अब तो मुझसे नहीं बचेगा वन टू लेट्स गो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर थ्री हेडेड चूचू चार्ल्स की बैंड बजा दी भाई मजा आ गया मजा आ गया हमने फाइनली गाइस यहाँ पर कम से कम चार पांच लोगों को ढूंढ लिया है बट गाइज यार टाइम भी तो 20 मिनट ही बचे हैं 10 मिनट तो निकल भी गए वो कौन है Zoom करके देखू क्या नहीं आई थिंक मेरा शक था कोई भी नहीं है इस मुझे लगा तो मैंने जूम करके देखा बट तो कोई दिखा नहीं मुझे खैर छोड़ो प्लेन में तो हमने रेड रिवेंजर हल को ढूंढ लिया था तो उधर कोई उम्मीद नहीं है बाकी हैरी पैड वाले एरिया में आई थिंक कोई छिपा हो चलो उधर देख लेते हैं ख्वाहिश यार ये पक्का कोई तो है मुझे उसके लिए ना टॉप पर जाना पड़ेगा वहीं से मुझे दिखेगा ठीक से कौन है जो छिपा पड़ा है भाई टॉप पर जाने के लिए ये कार काम आएगी हाँ इसको हम रैम पर चढ़ा सकते हैं वो जो गोल्डन वाला रैम पे ना आई थिंक वहाँ से मैं टॉप पर जा सकता हूँ एक टावर पर और उसके बाद मैं देख सकता हूँ टॉप पे से कि कौन

पिछली बार तो गिर गया था मैं तो इसलिए काम करते हैं कार को यहाँ यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि यहां से आगे जा भी नहीं पाएंगे ये पेड़ों ने भाई जगह घेर रखी है यहां से स्पेस है जाने के लिए ओके ओके पहुंच गया पहुंच गया भाई फायर गॉड अब फ्रैंकलिन तू ना मुझे ढूंढ लिया मैं ना छुपा पड़ा अरे ढूंढ लिया तेरे को अच्छा शूट करके कर दिखा ये ले शूट करता हूं मैं कहा गया कहा गया भगकना चाहे भाई वो रहा वो रहा भाई और दोस्तों अब जल्दी से इस फायर गॉड को यहाँ से गैप करते हैं अरे कहा शूट कर उसके पैरों पर करता हूँ शायद वहां से होगा ले और

ये पुराने जमाने के इतने सारे यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब अरे अब नए जमाने में इतने पुराने टीवी कौन ही देखता है तो आई थिंक टोनी ने कचरा समझ के इनको बाहर फेंक दिया है बट कचरा फेंका है तो भाई कचरे के रूम में फेंको ना ऐसे टोनी ने कहीं भी फेंक दिया है अजीब बात है यार खैर छोड़ो गाइज Uh, बाकी हम चलते हैं भागे हमने गोल्डन वाले उसकी तो मिस्ट्री सॉल्व कर ली बाकी वाटर की जो टंकी है भाई मुझे इसके ऊपर जाना है एक बार मुझे वहां से भी चेक करना है पानी की टंकी पे तो कोई छुपा हुआ नहीं है या फिर वहां से मुझे कोई दिख जाए चलो गाइस में आपके कमेंट चेक कर लेता हूँ कमेंट में लिख रहा है स्मॉल आइस लावा टाइटन आइस बकेट के पीछे छुपा हुआ है अच्छा वो प्लेन पर जो गाइस आइस बकेट से उनके पीछे आइस एंड लाव टाइटन वो जो दोनों भाई हैं वो छिपे हुए हैं क्या ओके 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 हम पहुंच रहे हैं गाइस अगर ऐसी बात है तो जल्दी कमेंट में लिख दीजिए अभी तोड़ता हूं मैं आबा

और एक गोल्डन नाइफ मैन भी है गाइस और बहुत लोग हैं यार नाम लेते लेते थक जाऊंगा पर भाई खत्म नहीं होंगे इनके नाम कहाँ कहाँ छिप गए हैं यार ये और थोर का बच्चा कहाँ है गाइस बहुत हो गया यार अब मैं टोनी के पियानो के एरिया में आ जाता हूँ पेड़ में कोई है हमारा गोली नहीं कोई नहीं निकला इस पर शूट करके देखें अरे ये लाइब्रेरी बुक्स मुझे ऐसा लग रहा है भाई पहले यहाँ पे ज़्यादा बुक्स हुआ करती थी अभी कम सी लग रही है बड़ी अजीब बात है बट इतनी छोटी जगह पे कौन छिपेगा सिंचन तो आज गेम खेल भी नहीं रहा है नहीं तो सिंचन हो सकता था उसके पीछे बट नहीं सिंचन नहीं खेल रहा इसलिए उस पर तो हम शक करने से कोई फायदा ही नहीं है भाई छोड़ो हम कहीं और ही चलते हैं भाई टाइम फ्री में बर्बाद ही हो रहा है हमारा स्टाक पेंशन के अंदर तो आज मुझे कोई मिला ही नहीं है भाई साहब बाहर ही छिप गए हैं क्या अरे भाई साहब ये कॉफ़ी का कप इतना बड़ा कहाँ से आया गया यहाँ पे और हेलीकॉप्टर वाह पार्किंग एरिया में हेलीकॉप्टर मुझे पता ही नहीं था तो मेरे बहुत काम आएगा यार चल चल फ्रैंकलिन अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा और भाई अपनी बुद्धि तेज घुमा अब गाइस वो जो ऊंची वाली टंकी है ना वो दिख रही है आपको ये वाली पानी की टंकी है भाई इसके ऊपर चलते हैं हम टॉप पे यहां से चेक करेंगे शायद को मिल जाए ऑल राइट मैंने सही जगह लैंड कर लिया हेलीकॉप्टर अच्छा पायलट बन गया हूँ भाई मैं ओके वो क्या देख गाइस गए ना ये भाई पक्का गोल्डन नाइफ मैंने कितने लोगों को लगता है जल्दी कमेंट में यस लिखो। हमारे पास से सो गया था भाई गेम खेलते खेलते अब तूने गलत टाइम पर ढूंढ लिया अच्छा बेटा मेरी नींद उड़ा के तू खुद मजे से सो रहा था अभी बताता हूँ तेरे को मैं गोल्डन नाइफ मैन चलो भाई इसकी भी बैंड बजाते अरे यार मेरी बैंड बज गई नीचे करते मैं ओके okay, मैं जल्दी चलता हूँ बारह मिनट रह गई है ज्यादा टाइम नहीं है ओके okay दोस्तों ये रहा गोल्डन नाइफ मैन वन टू थ्री निकल यहाँ से हमने गोल्डन नाइफ मैन को भी फिनिश कर डाला गाइस अब जल्दी चलते हैं भाई बारह मिनट ही बचे हैं मुझे बहुत लोगों ढूंढना है को तो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया था वो क्या अरे ये तो मुझे एलियन का यूएफओ टाइप लग रहा है इसको टावर वावर लग रहा है आई थिंक एलियन का यूएफओ है भाई ये पता नहीं क्या है और किसने मारा भाई साहब कौन है इतना बुरी तरह से मार रहा है पापा वो क्या पीटा है मेरे को नहीं हालत खराब कर दी मैं यहाँ नहीं आऊँगा भाई गलती से भी क्या पेट है भाई मेरे को अरे गाइस यार कौन था यहाँ पे ऐसे कौन मारता है भाई साहब मैं तो बस गेम ही तो खेल रहा हूं एक मिनट पेड़ पे तो कोई छिपा नहीं ले ना यार मैं अपनी गोलियां बर्बाद कर रहा हूँ मेरे पास लिमिटेड गोलियां इतने सारे लोग ढूंढने नहीं अब मैं वेस्ट नहीं करूंगा गोलियां यार ये टीवी और बीच में आ जाते हैं बार बार मैं इनको तोड़ दूंगा लिटरली में मैं, मैं गुस्सा आ रहा है ये ले भाई कहीं ऐसा तो नहीं है टीवी के पीछे कोई छिपा पड़ा हो अरे वह टीवी में कौन छिपेगा अब यार वैसे भी लोग कुछ कुछ आइडिया लगा लेते हैं जैसा टीवी छुपने का बट स्पेस तो होनी चाहिए खैर अगर आपको कोई दिखे टीवी जगह छुपा हुआ तो प्लीज जरूर कमेंट में बताना बाकी आयरन स्पाइडर का बच्चा कहां छिप गया अरे मिलता क्यों नहीं है ये घासों में तो कोई नहीं है शूट करके देखू आ, ये ले, ये ले। नहीं 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 आज घास में कोई नहीं छिपा हुआ और ना भाई डेली कोई ना कोई छिप ही जाता था वैसे तो डेली में छिपन छुपाई खेल भी नहीं रहा हूं पर मतलब जितनी जिस दिन में खेलता था बाकी ये क्या है भाई उधर से तो मैंने हेलीकॉप्टर उठाया था ये टोनी के पार्किंग एरिया में इतनी आग कैसे लगी मैं जाना चाहिए क्या अरे नहीं यार अगर मैं जाके आग बुझाने लग गया तो भाई लोगों को पकड़ेगा कौन ये मेरी बैंड बजा देंगे नहीं 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 हम इधर ही रहते हैं काइज में आपके कॉमेंट पढ़ लेता हूँ इतने टाइम से कॉमेंट नहीं पढ़ा मैंने कॉमेंट में लिखा है थ्री हेडेड टोनी स्टॉक बुक्स के पीछे छिपा हुआ है व्हाट व्हाट ये सच में है क्या ऐसी बात गाइस अगर ऐसा है तो जल्दी कमेंट में इस लिखिए टोनी स्टार्क अच्छा तो यहाँ छुपा है तू तो निकल यहाँ से भाई अबे यार फ्रैंकलिन भाई इतना सही जगह छिपा हुआ था मैं कहाँ से आ गया तो अच्छा निकल यहाँ से ये ले ये ले ये ले हमने फाइनली टोनी स्टार्क को ढूंढ निकाला गाइस यार अब तो दस मिनट भी नहीं रह गया भाई टाइम बहुत जल्दी जा रहा है यार यार इधर तो कोई है ही नहीं कोई फायदा नहीं है यहाँ पर कि नहीं नहीं गाइस इधर टोनी स्टॉक से पता फाइनली स्टाक मेंशन में कोई तो हमें मिला इसका मतलब गाइस पत्थर के अंदर कहीं तो कोई छुपा हो सकता है बाकी यार मैं क्या कह रहा हूँ गाइस एक बार ना बेसमेंट भी चली लेते हैं क्या पता बेसमेंट में भी कोई छुपा हो जैसे टोनी स्टाक की ना यहाँ पर एक सीक्रेट गुफा है ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है अगर आपको पता है ऑलरेडी तो जल्दी कॉमेंट में ये जरूर लिखना तो गाइज़ ये जो सीक्रेट गुफा है मतलब यहाँ पर भी छिपे रहते हैं लोग मैंने ऐसा काफ़ी बार सोचा था बट कभी मिला नहीं मुझे कोई बट यहाँ तो यार अंधेरा ही गुफा में ना थिएटर है देखिए टोनी स्टॉक का थिएटर है आगे खैर छोड़ो भाई थिएटर रूम में कौन ही छिपा होगा अगर कोई छिपा हो तो आप लोग जरूर बताना यार मैं टंकी के ऊपर गया था वहां मैंने गोल्डन नाइफ मैन को ढूंढ लिया था ये कौन आ रहा है ये तो हमारा बचपन का फेवरेट विलन ग्रीन गोपलिन है अरे भाई साहब तू इधर क्या कर रहा है मैं आया चल यहाँ से तू छप्पन छुपाया गेम नहीं खेल पाएगा इतना मारूंगा जिससे कि तू हार जाए अरे 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 क्यों मार रहा है मेरे को ग्रीन गोपलिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा पापा मार दिया रे मजा आ गया उस बच्चे को मसल के चलो गाइस किसी ने पक्का मेरे को पीटने भेजा था जिससे कि मैं इधर आ पाऊँ मतलब हो सकता है यहाँ पर कोई छिपा हुआ हो अरे गाइस कौन हो सकता है पर एक मिनट वो कौन है औरे?

सबको ढूंढ लेंगे अभी देखिए मैं टंकी पे वापस आ चुका हूँ क्योंकि यहां से मुझे गो, जो गोल्डन टीवी में था ना वो दिखा था बट अब मुझे यहां से कोई दिख नहीं रहा है दूर दूर तक आपको कोई दिख रहा हो तो प्लीज कॉमेंट में बताना बाकी चलो हम यहां से निकलते हैं भाई अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं बाकी ये टावर को मैं कैसे उड़ाऊ कुछ तो तरीका होगा भाई इस टावर को हटाने का क्योंकि इस टावर के पास मेरे पे बहुत खतरनाक वाला अटैक हुआ था और ये मुझे एलियन का यूएफओ ही लग रहा है भाई आपको क्या लग रहा है यूएफओ टाइप ही लग रहा है ना ये मतलब ऐसे ही लग रहा है भाई

बाकी तो यहाँ पर अरे ये कार्स कहां से गिर वो ऊपर जो फ्लाइंग हाउस है शायद वहां पर कोई है तो नहीं जो कार्ड फेंक रहा है अरे बट अब मैं ऊपर कैसे जाऊं मेरा तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर ही अटका रह गया अरे बैड लक भाई बैड लक चलो मेरा दिमाग खराब हो रहा है मैं कॉमेंट पढ़ लेता हूँ थ्री हेडेड स्पीकर मैन टोनी स्टाक के थिएटर रूम में छुपा है गुफा में ओके समझ गया का गुफा में जो आ, हम गए थे लास्ट टाइम जहां पर थिएटर भी है टोनी स्टाक का ये देखिए सीक्रेट गुफा तो यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि थ्री हेडेड स्पीकर मैन छुपा हुआ है अगर आपको भी यही

की बात है ये तीन चार लोग हैं तो नहीं कहाँ छिपे हुए हैं मैं टंकी पर वापस आ गया एक और बार यहाँ से मुझे दिख सकता है कोई ना कोई तो अरे ये टग्गी पे करंट कहाँ से आता रहा भाई और ये तो स्पाइडर मैन के स्पाइडर ड्रोन है जो मुझे मार रहे हैं पापा इसका मतलब आयरन स्पाइडर आसपास के जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है कहीं अगर आप भी मेरी पास से सहमत कमेंट में ऐसे लिखे मार दिया रहे अरे पापरे मुझे गुस्सा आ रहा है गाइस मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई साहब मैं टंकी पे गया था वहां से देखने तो मेरे को नीचे उतार के फेंक दिया मैं छोड़ूंगा नहीं यार मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे गाइस बहुत हो गया मैंने काम करता हूं ये जो बुलडोज़र है जो मशीन है मैं इसका इस्तेमाल करके वो बड़ा सा वहां से जो मतलब ख़तरनाक सा टावर है ना उसको हटाते हैं भाई साहब हमें बुलडोज़र तो मिल गई चलो जल्दी चलते हैं वो बड़ा सा जो यू टाइप का टावर है जहाँ पे मुझे अटैक हुआ था लास्ट टाइम वहां चलते हैं हम और इससे भाई साहब उसको हटा देंगे शायद वहां पर हो सकता है

ये तो, वाला चास निकला। अच्छा बेड़ा। तो क्या था? अबे नहीं क्या था मिनट ही बचा है ये मेरे साथ मेरा दिमाग खराब हो रहा है अगर आपने थोर को नहीं देखा तो प्लीज कॉमेंट में बताइए गाइस ऐसा तो नहीं है ये जो इतनी सारी यहाँ पर कार्स आई थी इन कार्स में कोई छुपा पड़ा ऊपर से जाके देखता हूँ मैं यहां से नहीं कार तो वैसे उधर है मैं कहाँ देख रहा हूँ बाप रे मेरा भी दिमाग ही घूम रहा है एक काम करते हैं कहा इस कार पर शूट करके देखते हैं हलो हेलो हेलो कोई है इधर भाई कोई फ्लाइंग हाउस में से गिर गया और वो कौन है कसम किसने मोड़ा और

आयरन स्पाइडर टंकी में लेटा है टंकी में लेटा है अच्छा ये वाली टंकी कहाँ लेटा है गाइस यहीं के लेटा है क्या कहाँ है अरे ये रहा ओए फ्रैंकलिन यार अरे पापा पार दिया ओके कोई तो ये तो लास्ट में एक सेकंड बचा था तब पकड़ा मैंने उसको वाह भाई मजा आ गया ऑल राइट अब तुम सभी सजा भुगतने के तैयार हो अबे नहीं फ्रैंकलिन माफ कर दे अरे फ्रैंकलिन छोड़ दे गाइस ये बॉक्स मुझे देने वाले थे बट इस बॉक्स में से कौन निकला मून गॉड सन गॉड लावा गॉड और हम सभी मिलकर इनको सजा देंगे चलो हारने वाले को सजा मिलेगी और जीतने वाले को इनाम अरे बाप रे शुक्र गाइस अगर मैं हारा होता तो भाई तीनों गॉड मेरा क्या हाल करते आप ये सोचिए या यार हम तो गिफ्ट निकालते हैं भाई क्या निकलेगा और पापरे फायर एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स में से थ्री हेडेड फायर गॉड का सूट मिला है वो भी टाइटन का गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच